निक्की यादव हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस की तफ्तीश में ये बात निकल के सामने आई है कि निक्की और साहिल गहलोत की शादी 2020 में ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हुई थी। हमारे साथ आर्य समाज मंदिर के विपिन जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जो शादी हुई थी वो किस दिन हुई थी और क्या प्रोसेस अपनाया गया था, और आपसे उस दिन की बात कुछ बताइए। 1/10/2020 को मिलने तो पहले भी आए थे वो, क्योंकि पहले बात होती है, लोग मिलने आते हैं कि हम अपनी जो शादी कराना चाहते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोगों के घर वाले कहाँ हैं, क्या है, पूरी डिटेल्स की जांच करके तब वो उन्हें डेट दी जाती है कि भाई आप उस दिन आ सकते हैं। तो वो 1/10/2020 को आके विधि विधान से उनके संस्कार हुए, फेरे जो होते हैं हमारे वैदिक विधि विधान से, और उसके बाद एक प्रमाण पत्र जारी होता है। जी सर, जो शादी का क्राइटेरिया है आर्य समाज की मंदिर की तरफ से, क्या प्रोसेस होता है, कैसे की जाती है? आर्य समाज मंदिर में जो है, जो हमारे वैदिक विचारों को और स्वामी दयानंद के जो सिद्धांतों को मानने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ मतलब आ जाते हैं, जिससे उनका कुछ खर्च ना हो, दान दहेज न देना पड़े आपस में, और बहुत साधारण उसमें शादी हो जाती है। सर, जो इन लोगों ने फॉर्मेलिटीज़ हैं अपनी तरफ से फॉर्मेलिटीज़ की थी, ये कितने लोग यहाँ पर आए थे, और कुछ थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। अमूमन जो है उसमें उनके जो है ना एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लेते हैं हम लोग, तो और पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह लेते हैं, एफिडेविट लेते हैं उनके बालिग होने के लिए कि हम बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद फिर उनकी शादी होती है। सर, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आपसे पूछताछ की है, क्या आप पूछताछ की है, क्या बताया आपने? वो लोग यही कि भाई ये लोग यहाँ इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है। बहुत जो ऑफिसर्स आए थे क्राइम ब्रांच से बता रहे थे वो अपने आप को, तो अच्छे थे, बहुत अच्छे, तो उन्होंने इसका रिकॉर्ड वगैरह हमसे ले गए, मतलब यहाँ से शादी का जो दस्तावेज रिकॉर्ड है वो ले गए, जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड में अंकित है। जी बिल्कुल, जो रिकॉर्ड में यहाँ पर दर्ज है उस दस्तावेज को जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ से लेके चली गई है। बाकी का जो यहाँ के आर्य समाज मंदिर के जो पुजारी हैं, उन्होंने यही बताया कि उनकी शादी जो है 2020 में इसी मंदिर में हुई थी। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।